मोदी रूस दौरे पर हैं, इसलिए बात विदेश की करेंगे। विमानों को धमकी मिल रही है, इसलिए बात देश की करेंगे। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी बड़ी खबरें आई हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। और सीधे मुद्दे की बात में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि देश मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो कौन सी खबर है जिस पर आज बात होने वाली है। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर हों और विदेश में कोई ऐसी खबर हो जो आपको जानना जरूरी है तो वो बताता हूं। तो चलिए सबसे पहले आज बता देता हूं कि कौन कौन सी खबर है जो आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले शुरुआत मोदी के रूस दौरे से करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस पहुंचे हैं और इधर 4 साल से चल रहा भारत और चीन का विवाद सुलझ गया है, सीमा विवाद सुलझ गया है। खबर क्या है देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा, विस्तार से बात करेंगे, सब कुछ बताएंगे। दूसरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश की। भोपाल की एक तस्वीर आज पूरे देश में वायरल है। देश विरोधी नारे लगाने वाले को ठीक सजा मिली है। जो पहले देश विरोधी नारे लगा रहा था वो अब क्या कह रहा है जानना चाहते हैं? भारत माता की जय कह रहा है, तिरंगे को सलाम कर रहा है। जुड़े रहिएगा, बहुत रोचक खबर है, दिखाएंगे। तीसरी खबर में बात युवाओं को मिली खुशखबरी की करेंगे। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक युवाओं को नौकरी मिलने वाली है, रोजगार मिलने वाला है, खूब पैसा आने वाला है। आपसे जुड़ी खबर है, आपके लिए अवसर है, इसलिए विस्तार से पूरी जानकारी आपके बीच साझा करेंगे। चौथी खबर में बात करेंगे नक्सलियों की। हथियार छोड़ने वाले नक्सलियों को सरकारी नौकरी दे रही है सरकार, नौकरी दे रही है, सरकारी नौकरी मिल रही है। और नक्सलवाद के खात्मे के बाद जिस तरह से तस्वीर बदल रही है छत्तीसगढ़ की, वो पूरी खबर आपको यहां मिलेगी। पांचवी खबर में बात रायपुर दक्षिण उपचुनाव की करेंगे। पूरा गूढ़ा गणित सेट हो गया है, कांग्रेस के उम्मीदवार का भी ऐलान हो गया है। बीजेपी से सुनील सोनी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने आकाश शर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। छठवीं खबर में बात मनेंद्रगढ़ की करेंगे। भ्रष्टाचार से सरकारी बाबू करोड़पति बन गए हैं, पूरी कहानी बताएंगे। और सातवीं खबर में आपसे जुड़ी है, सातवीं खबर आपसे जुड़ी है, विमान को रोज धमकी मिल रही है। 200 से ज्यादा विमानों को धमकी मिली है और जानते हैं इससे कितना नुकसान हुआ है? 500 करोड़ का नुकसान हुआ है, 500 करोड़ का एयरलाइंस कंपनियों को। ये पैसा कौन देगा कंपनियों को? हम और आप ही अपने जेब से देंगे, इसलिए खबर बताना जरूरी है। और आखिर में आपके लिए एक रिसर्च लेकर आया हूं, शादी के बाद महिलाएं नौकरी छोड़ दे रही हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, वर्ल्ड बैंक ने आंकड़े जारी किए हैं भाई, इसलिए सोचा आप लोगों को बता दूं। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। और सबसे पहली खबर क्या है? मोदी रूस पहुंचे हैं, खुशखबरी चीन से आई है। आप कहेंगे ब्रिक्स की बात करने वाले थे, रूस की बात करने वाले थे, पुतिन की बात करने वाले थे, लेकिन खुशखबरी चीन से कैसे आ गई है? तो चलिए सब कुछ बता देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी रूस गए हैं, आज ही रूस के कजान पहुंचे हैं। पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने रूस के कजान पहुंचे हैं। कजान पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का बहुत शानदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री के स्वागत में एयरपोर्ट से लेकर होटल तक भारतीय समुदाय के लोग मौजूद रहे, कई रंग बिरंगी तस्वीर देखने को मिली। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। रात 9:30 बजे ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे नेताओं का कजान में स्वागत किया जाएगा। ब्रिक्स सम्मेलन क्यों जरूरी है और आज ब्रिक्स पर इतने विस्तार से चर्चा क्यों कर रहा हूं, पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन पहले आपको वहां से आई खूबसूरत तस्वीर को दिखाती एक रिपोर्ट देखना चाहिए। रिपोर्ट देख लीजिए, इसके बाद आगे विस्तार से बात करेंगे। मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। एक्सलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले तो रूस यूक्रेन जंग पर भी बात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से साफ साफ कह दिया कि यूक्रेन जंग पर हमारा स्टैंड कायम है। सुना दीजिए भाई, प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर क्या बोला है, इसके बाद आगे बात करेंगे। पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान सुनाना जरूरी है, सुनिए। एक्सलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। 3 महीने पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जुलाई में रूस दौरे पर गए थे, याद है आपको। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन का भी दौरा किया। दोनों देशों के बीच जंग चल रही है, ऐसे में रूस और यूक्रेन का दौरा करके प्रधानमंत्री मोदी ने शांति की पहल की थी। उस वक्त भी शांति की ही बात की थी, और अब 3 महीने में ही फिर से रूस के दौरे पर पहुंचे और शांति के पहल का फिर से संदेश दे दिया। और अब प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस के कजान पहुंचे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मोदी ने मुलाकात कर ली है, लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन में पहुंचे मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात कर सकते हैं, ये बड़ी खबर है। एक्सपर्ट्स की माने तो प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की कजान में द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। साल 2020 से गलवान घाटी में हुए विवाद के बाद से ही भारत और चीन में तनाव बढ़ा है, ऐसे में ब्रिक्स सम्मेलन के भारत और चीन दोनों के लिए ही खास मायने हैं। और विस्तार से जानना चाहते हैं तो देख लीजिए, ग्राफिक्स के जरिए हम सब कुछ आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप विस्तार से खबर आसानी से समझ जाएं। प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे से ठीक एक दिन पहले एक बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर आई है कि 4 साल से चल रहे भारत चीन के बीच तनातनी का समाधान हो गया है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर बड़ा समझौता हुआ है। LAC पर पेट्रोलिंग के लिए भारत चीन में सहमति बन गई है। कल भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की, आज चीन ने भी खबर की पुष्टि कर दी है। अब LAC पर 2020 से पहले की स्थिति बहाल हो जाएगी, भारत चीन के सैनिक पीछे हटेंगे। कल ही विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने ऐलान किया कि भारत चीन के बीच विवादित पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर एग्रीमेंट हुआ है, जिसके बाद सेना यहां फिर से पेट्रोलिंग शुरू कर सकेगी। सुना दीजिए विदेश सचिव को क्या कह रहे हैं, सुनिए। Now, as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas. बार बार बात हुई और जब समाधान निकल गया, पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों देशों की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद तनाव पैदा हुआ था। 4 साल से दोनों देशों के बीच 24 बार बातचीत हुई है। कितनी बार? 24 बार बातचीत हुई। सेना के बड़े अधिकारी भी बातचीत में शामिल हुए। 2020 में 8 बार बातचीत हुई, 2021 में 5 बार, 2022 में 4 बार और 2023 में 3 और 24 में भारत और चीन के बीच 4 बार बातचीत हुई। इस तरह कुल 24 बार बातचीत के बाद अब जाकर समाधान निकल गया है और दोनों देश पेट्रोलिंग के नए सिस्टम पर सहमत हो गए हैं, इसलिए इतने विस्तार से आपको सब कुछ बता रहा था, दिखा रहा था। अभी पिछले ही महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि LAC विवाद करीब 75% सुलझ गया है। LAC विवाद क्या कहा था कि करीब 75% सुलझ गया है, और अब खबर आ गई है कि दोनों देशों के बीच LAC पर समझौता हो गया है। इस समझौते पर आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं, वो भी सुनना चाहते हैं, सुन लीजिए, सुनाइए भाई। We are concerned, we were looking at that we want to go back to the status quo of April 2020. Point number one. Thereafter, we will be looking at disengagement, de-escalation, normal management of line of actual control. आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी कह रहे हैं LAC पर चाहते हैं अप्रैल 2020 वाली स्थिति हो। गलवान में जारी विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 2 बार मुलाकात हुई।
2022 में प्रधानमंत्री मोदी बाली में जिनपिंग से मिले और 2023 में जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन के बीच आमना सामना हुआ और अब दोनों देशों के बीच समझौता हो गया है। तो समझौते के बाद रूस में पहली मुलाकात हो सकती है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिक्स दौरे से ठीक पहले चीन और भारत के बीच बहुत बड़ा समझौता हो गया है और इसलिए मुझे इसको और आसानी से समझने के लिए कहां जाना पड़ेगा, अमृत तिवारी दिल्ली से जुड़ गए हैं मेरे साथ। पूरी कहानी आप सुन रहे थे, पूरी खबर आप सुन रहे थे और मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो रूस हैं लेकिन खुशखबरी चीन से आई है और जिस बात की संभावना हम आप जता रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है अमृत कि चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो? अमृत और क्या कह रहे हैं जो इस दिशा में नजर बनाए हुए रहते हैं, भारत और चीन के रिश्ते को लेकर अगर मुलाकात होती है तो लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह की चर्चा निकलकर सामने आ रही है, सरल भाषा में विस्तार न्यूज के दर्शकों को समझा दीजिए। अमृत ज्ञानेंद्र जी, देखिए एक बात कही जाती है, अगर आप ताकतवर हैं तो आपकी ताकत दिखनी चाहिए। बीते एक साल में देखेंगे जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रहे हैं भारत के तमाम मुल्कों के साथ, वो भारत अपने एक्सिस में ताकत को ही रख करके आगे बढ़ा है। चीन के साथ जैसे 2020 के बाद तनाव बढ़ा है, भारत ने अपनी एक्सरसाइज जितने भी दुनिया के ममालिक हैं उनके साथ बढ़ा दी थी, चाहे वो शंघाई कोऑपरेशन की बैठक की बात हो, चाहे वो ब्रिक्स की बैठक चल रही है, और इसके अलावा क्वाड नेशन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो साउथ चाइना सी में काम करते हैं उनके देश जो उनको लेकर भी भारत एक मजबूत संगठन के तौर पे, और चीन इस बात को बेहतर तरीके से समझता है कि पूरे इंटरनेशनल लॉबी में भारत एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर भी है। अब उसके अलावा जो दूसरे देश हैं जो कि अलग अलग संगठन में बैठे हुए हैं, चाहे वो शंघाई कोऑपरेशन के देश हो, चाहे ब्रिक्स नेशंस हो, इसमें जो कि और देश जुड़ करके इनकी संख्या 10 हो गई है, और ये तमाम 10ों देश कुल मिलाकर के दुनिया के ट्रेड में 71% अपना योगदान देते हैं और इसमें भारत का हिस्सा भी काफी बड़ा है। ऐसे में चीन और दुनिया ये समझती है कि भारत को इग्नोर करना मुमकिन नहीं है, इसीलिए आप देखेंगे कि ब्रिक्स नेशंस के बैठक से पहले एक डीएस्केलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है और लद्दाख में पहले वाली स्थिति को बहाल करने की बात कही जाती है। अब इसके भीतर एक और बात निकल करके सामने ये आ रही है कि हो सकता है कि जो शी जिनपिंग है और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके बीच एक बैठक होगी और यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ब्रिक्स देश अमेरिका के बरक्स एक दूसरे सिस्टम खड़े करने की बात कर रहे हैं जिसमें अलग करेंसी होगी। अभी तक जितने भी दुनिया के पैमाना सेट होते हैं वो डॉलर पे सेट होते हैं, अधिकतर उन्हीं का डोमिनेंस होता है, इससे जो दूसरे देश होते हैं उनका काफी घाटा उठाना पड़ता है। अमृत जो आप कह रहे हैं ना, भारत का इकबाल बुलंद दिखना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, और वो जो ताकत है कि भारत को इग्नोर करके कोई देश अगर आज की स्थिति में सोचे कि नहीं हम आगे बढ़ जाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, नजरअंदाज करने वाली स्थिति में भारत नहीं है, ये बदलता हुआ भारत है और ये अपनी ताकत को महसूस कराता हुआ भारत है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आसान भाषा में अमृत, पूरे प्रधानमंत्री मोदी के दौरे और पुतिन से मुलाकात, इसके बाद चीन से जो रिश्ते सुधर सकते हैं, उसके पहले जो ये राहत वाली खबर आई है गलवान घाटी से, इन सभी मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुझे आगे बढ़ने दीजिए और अगली खबर पर बात करने दीजिए। और अगली खबर क्या है, देश विरोधी नारे लगाने वाले को ठीक सजा मिली है। देख लीजिए माथे में सैल्यूट लगा हुआ है और कह क्या रहे हैं पता है आपको, सुनना चाहते हैं? और कौन है ये और क्यों ये सजा मिली है? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था, जो भरा नहीं है भावों से, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं वो हृदय नहीं, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और अगर आप भारत देश में रहते हैं तो आपके अंदर देश के लिए प्रेम और सम्मान होना ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है भाई साहब इस मामले में, आपके पास किसी भी कीमत पर कोई विकल्प नहीं है। और अगर आप देश का सम्मान नहीं कर सकते तो आपके साथ क्या सलूक होगा, देखना चाहते हैं? देख लीजिए, दिखाइए जरा। मध्य प्रदेश के रायसेन का रहने वाला फैजान भारत में रहते हुए पाकिस्तान के समर्थन का नारा लगाया था, इसके अलावा प्रधानमंत्री के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। फैजान राजधानी भोपाल के मिसरौद में पंचर की दुकान चलाता है, लेकिन पंचर की दुकान के साथ ही फैजान ने देश को गाली देने की दुकान भी खोल ली थी और इसी वजह से यह खबर आज मुझे आपको दिखाना पड़ रहा है। 17 मई 2024 को फैजान एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, फैजान का
जिसमें फैजान पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगा रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भोपाल के मिसरौद थाने में FIR दर्ज कराई थी। FIR दर्ज होने के बाद फैजान करीब 5 महीने जेल में रहा। उसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने 50,000 के बॉन्ड पर एक कंडीशन के साथ जमानत दी थी। जमानत की कंडीशन ये थी कि आरोपी को महीने के पहले और चौथे मंगलवार को 10 से 12 बजे के बीच थाने पहुंचकर तिरंगे को 21 बार सलामी देने के साथ साथ भारत माता की जय भी बोलना होगा। और आज उसी आदेश के बाद फैजान पहली बार थाने पहुंचा और तिरंगे को 21 बार सलामी देते हुए भारत माता की जय भी कहा। तिरंगे के सामने सलामी देने के बाद आरोपी फैजान ने विस्तार न्यूज के कैमरे पर माफी भी मांगी। आरोपी फैजान और पुलिस क्या कह रहे हैं, इस पर एक रिपोर्ट बनाई है, पहले वो देख लीजिए, फिर मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि कैसे भारत माता की जय कह रहा है और अपने किए पर शर्मिंदा है फैजान। पहले रिपोर्ट देखिए। भारत माता की जय। अभी नहीं लगाऊंगा, बहुत जल्दी माफी चाहता हूँ। भारत माता की जय। देश विरोधी नारे लगाने वाला फैजान हमारे साथ मौजूद है। ये कहना है कि ये जो गलत जो सहमति हूँ मैं इससे, बहुत गलती भी हुई है मुझसे, और मेरे को यहाँ पे कोर्ट ने जो नाजस दी है, सजा दी है, उसको मुझे पालन करना है यहाँ पे। देश विरोधी नारे क्यों लगाए थे किसी ने? नहीं, किसी ने कोई नहीं बोला। वो तो वीडियो बना रहा था, रील बना रहा था, उसमें चक्कर में मेरी वीडियो वायरल हो गई। जेल में 5 महीने रही है सर। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा आरोपी को जमानत में ये कंडीशन ले किया था, उसी प्रक्रम में आज ये पहली बार आज यहाँ उपस्थित आया था और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई संपन्न कराई गई। भारत माता की जय। देख लिया, कोर्ट ने जो कहा ठीक सजा दी, लेकिन सीधे मुद्दे की बात यह है कि देश का अपमान करना, देश को गाली देना, इन सब को हल्के में मत लीजिए। देश का सम्मान करिए, अपने देश से प्रेम कीजिए। और इसीलिए खबर दिखाया कि आगे इस तरह की गुस्ताखी अगर कोई कर रहा है तो सावधान हो जाए, और जिस देश में आप रहते हैं, जिस देश का आप खाते हैं, जिस देश में आप सुरक्षित रह रहे हैं, उस देश से अगर आप प्यार नहीं कर रहे हैं तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये बता देते हैं। युवा साथियों तैयार हो जाओ, सरकारी नौकरी मिलने वाली है। आज ऐसी खबर आई है कि केवल यही कह सकता हूं युवाओं के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक युवाओं को नौकरी मिलने वाली है, रोजगार मिलने वाला है, खूब पैसा आने वाला है। आपसे जुड़ी खबर है, इसलिए विस्तार से बात करूंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। छत्तीसगढ़ में साए सरकार सरकारी नौकरी को मंजूरी दे रही है, बंपर भर्ती निकली है। CGPSC ने अपने वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। मोहन सरकार 1,00,000 सरकारी नौकरी देने जा रही है। आपसे जुड़ी खबर है, कहां कहां वैकेंसी आई है, कहां आने वाली है, कैसे नौकरी मिलेगी, चलिए विस्तार से बता देते हैं। शुरुआत छत्तीसगढ़ से करते हैं, देख लीजिए, विस्तार से देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार साय सरकारी नौकरी देने की मंजूरी दे रही है। आपको जिस विभाग में नौकरी करनी है वहां कितनी वैकेंसी निकली है वो भी विस्तार से जान लीजिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर अब तक लगभग 9 विभागों में 3,815, फिर से बता रहा हूं, 9 विभागों में 3,815 पदों पर भर्ती को मंजूरी मिली है। भाई साहब, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 181 पद, गृह विभाग में 806 पद, स्वास्थ्य विभाग में 1201 पद, आदिम जाति कल्याण विभाग में 300 पद, वन विभाग में 66 पद, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में 237 पद, विधि विभाग में 362 पद, कृषि विभाग में 321 पद, पुलिस विभाग भर्ती में 341 पदों की भर्ती को मंजूरी मिली है। विस्तार न्यूज है, इसलिए पूरा डेटा विस्तार से बताया हूं किस किस डिपार्टमेंट में आपको आवेदन करना है। और पुलिस विभाग में तो कल से ही आवेदन शुरू होना है। पुलिस विभाग के 341 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 अक्टूबर से 21 नवंबर तक होगा। 22 नवंबर से 24 नवंबर तक आवेदन फॉर्म में आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर कुछ फॉर्म में गलती है
तो उसको सही किया जा सकता है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वेबसाइट पर जाइए, फॉर्म भरिए, नौकरी का दरवाजा खुला हुआ है। अब नौकरी युवाओं को मिलने वाली है तो इस पर छत्तीसगढ़ के युवा क्या कह रहे हैं ये भी तो सुनना जरूरी है। जब नौकरी दरवाजा खोल कर खड़ी है कि भाई साहब अवसर आ गया है, तो युवा क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। सुनाइए। एसआई भर्ती आई है, बहुत अच्छी बात है। बहुत दिन से, काफी दिन से एसआई के जो अभ्यर्थी हैं वेट कर रहे थे पिछली भर्ती को लेके, जो लोग नहीं कर पाए थे। बीएससी लेगा तो हाँ, थोड़ा पेपर प्रोडक्टिव, मतलब एक पैटर्न पे आएगा, ऐसा उम्मीद कर सकते। सारे बच्चों में एक उमंग सी, एक लहर सी दिखी। लाइब्रेरी में भी अभी एक डीढ़ सी है कि सब तैयारी करना लगे और सब मेहनत कर रहे हैं, जितने भी लोक सेवा आयोग वाले। इस प्रकार बीएससी भर्ती को ले रही है तो जो पिछली भर्ती है उसके अपेक्षा ये भर्ती जल्दी होगी और प्रक्रिया इसमें बहुत त्वरित होगा। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, जितने तैयारी करने वाले सारे लोग हैं उन सब के लिए, कि रोजगार के लिए मतलब अवसर बढ़ रहे हैं, सरकार इस चीज़ को भी ध्यान दे रही है। यहाँ पर बहुत खुशी है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका सपना होता है सब इंस्पेक्टर बनने का, तो ये सराहनीय कदम है सरकार का। अच्छी बात है, सीजीपीएससी ले रही है, विश्वसनीय संस्था है, संवैधानिक संस्था है, तो हमें उम्मीद है कि अच्छे तरीके से भर्ती होगी। छत्तीसगढ़ की बात कर ली, अब बात मध्य प्रदेश की भी कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, लेकिन उसमें सबसे अहम फैसला युवाओं को लेकर किया गया। मोहन कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ कि दिसंबर 2024, तारीख देख लीजिए, महीना देख लीजिए, दिसंबर 2024 तक मध्य प्रदेश में 1,00,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। 1,00,000 सरकारी नौकरियों की भर्ती एमपी कर्मचारी चयन मंडल और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बहुत बड़ी संख्या में तोहफा मिलने वाला है, बहुत बड़ी संख्या में तोहफा मिलने वाला है मध्य प्रदेश के युवाओं को। प्रदेश के युवा क्या कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ के युवाओं को तो आपने सुन लिया, मध्य प्रदेश के युवाओं को भी सुनिए कि आज कैबिनेट में इतना बड़ा निर्णय होने के बाद प्रदेश के युवा क्या कह रहे हैं, सुनाइए। पिछले साल भी बात की थी नौकरियों की, तो अच्छी बात है नौकरियां मिल रही है, जिसके बाद अगर हम जैसे लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी मिल जाएगी हमको तो अच्छा होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने अच्छी योजनाएं निकाली, वैसे काफ़ी साल से हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी अगर हमारी कोई नौकरी लग जाए तो बेरोजगारी दूर हो जाए हम जैसे युवाओं की। ये उम्मीद भी करता हूँ कि आके भाई उनका जो उन्हें बोल रहे हैं वो अपने वचनबद्ध रहेंगे और नौकरियां प्रदान करेंगे। तो सरकार पे भरोसा है कि अब की बार हम लोगों की सोचेगी, मेरा मानना है कि अब की बार होगा। दोनों राज्यों को क्या सौगात मिला और क्या मिलने वाला है सब कुछ विस्तार से बता दिया। चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर क्या है, फ्लाइट को 200 धमकी से 500 करोड़ का नुकसान हो गया। बताइए मजाक कर रहे हैं, मतलब विमान सेवा जो है, फ्लाइट वाली जो सेवा है, हवाई जहाज वाली जो सेवा है, फोन कर दे रहे हैं, वीडियो वायरल कर दे रहे हैं, कह रहे हैं धमकी, बम रखा हुआ, इससे क्या हो रहा है। 500 करोड़, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो जा रहा है। लगातार विमानों को धमकी मिल रही है, 200 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है, 200 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इन धमकियों से किसका नुकसान हो रहा है, आपका और हमारा, आम आदमी का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, इसलिए इस पर आज विस्तार से चर्चा करूंगा। वैसे मैंने कल भी आपको खबर दिखाई थी, शुरुआत पिछले 24 घंटे से कर लेते हैं, देख लीजिए पिछले 24 घंटे में 79 विमानों को बम की धमकी मिली है। प्रभावित उड़ानों में 23 इंडिगो, 21 विस्तारा, 12 आकाशा एयर और 23 एयर इंडिया की उड़ानें शामिल हैं। ये तो सिर्फ 24 घंटे के आंकड़े हैं भाई साहब, 24 घंटे के आंकड़े बता रहा हूं, ये सिर्फ नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ सितंबर महीने में 1,30,00,000 लोगों ने भारत में हवाई यात्रा की है। 1,30,00,000, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, और यह आंकड़ा सितंबर 2023 की तुलना में 6.38% ज्यादा था। इसका मतलब यह है कि भारत में हर साल हवाई यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए विस्तार से आपको फिर से दिखाता हूं कि यात्रियों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन
इसके साथ एयरलाइंस को मिलने वाली धमकियां भी बढ़ती जा रही हैं, जो चिंता का विषय है। एक दो नहीं बल्कि दिन भर में 80 धमकी। हे भगवान, दिन भर में 80 धमकी भरे मेल या मैसेज आ रहे हैं और इन धमकियों से एयरलाइंस को अच्छा खासा नुकसान भी हो रहा है। कोई 2-4 करोड़ का नुकसान नहीं बल्कि 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। कितने? 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है इन धमकी भरे मैसेज से, जिनकी वजह से प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है और एक इमरजेंसी लैंडिंग में एयरलाइन को 3 करोड़ का नुकसान होता है। 3 करोड़ का नुकसान, सोचिए। अब ये तो बात हुई नुकसान की, लेकिन वो नुकसान हो कैसे रहा ये भी जान लीजिए। अब आप सोचते होंगे कि भाई लैंड ही तो कराई है फ्लाइट, उतारा ही तो है, 3 करोड़ का नुकसान कैसे हो गया? ऐसा नहीं है भाई साहब, बहुत नुकसान होता है। कैसे ये भी समझा देता हूँ, चलिए देख लीजिए विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए। अब धमकी मिलती है तो निर्धारित एयरपोर्ट से पहले किसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है, जिसकी वजह से फ्यूल की खपत ज़्यादा होती है। प्लेन पहले लैंड करेगा, फिर से अपने निर्धारित एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेगा तो ज़्यादा फ्यूल लगेगा ना। विमान की जब दोबारा जाँच होती है तो उसमें भी संसाधन खर्च होते हैं, बम निरोधक टीम आती है और समय की भी बर्बादी होती है। अब विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से यात्रियों को होटल में रुकवाना पड़ता है, एयरपोर्ट को पार्किंग चार्ज देना पड़ता है, यात्रियों को फिर से चाय नाश्ता कराना पड़ता है, क्रू मेंबर और पायलट को भी ड्यूटी चार्ज देना पड़ता है। बहुत झंझट है, बहुत झंझट, बहुत परेशानी। केंद्र सरकार तो कह रही है सख्त कानून लाएंगे, लेकिन इन धमकियों से नुकसान का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरे सहयोगी श्याम सिंह तोमर जुड़े हुए हैं और ये जो धमकी मिल रही है और जो ये देश का नुकसान हो रहा है, श्याम जी, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए और इस तरह से खेल बना लिया है? सोचिए 500 करोड़ का नुकसान, वीडियो जारी कर देना, बयान जारी कर देना, लेकिन इससे नुकसान तो हमारा आपका हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ज्ञानेंद्र आप, के नुकसान तो आपका हमारा ही हो रहा है, हमारी जेब पर ही बोझ बढ़ रहा है। आज मेरी बात हो रही थी, जैसे ये धमकी भरा जो पूरा मामला चला तो मैंने एयरपोर्ट डायरेक्टर से बात की, रामजी अवस्थी से। रामजी अवस्थी को पूरा सेटअप दुरुस्त करना पड़ता है, हर चीज़ चाक चौबंद करनी पड़ती है और ये जो खर्च होता है उसका वहन कौन करता है? हम करते हैं, आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये महंगा हो जाता है जो सफ़र सस्ता होना चाहिए। एक डर का माहौल पैदा होता है यात्रियों में, अभरोसा वाली स्थिति पैदा होती है और कहीं ना कहीं इससे देश की छवि पर भी असर पड़ता है। ऐसे में ज़रूरी ये, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि कड़ा कानून होना चाहिए और ये जो धमकी भरे मेल आते हैं उनको सर्च करना चाहिए, उन लोगों तक पहुँचना चाहिए जो इस तरह का गुनाह करते हैं, देश के साथ में देश की छवि खराब करते हैं। देश की छवि खराब करना, इतने राजस्व का नुकसान होना, और सबसे बड़ी बात श्याम जी जो आपने कही और मैं भी लगातार बता रहा हूं कि हमारे और जेब पर इन धमकियों का असर पड़ना, जब आम आदमी प्रभावित होने लगे तो खबर दिखाना जरूरी है। नक्सलवाद खत्म करना है, नक्सलियों का खात्मा करना है, पाताल में भी छिपे होंगे तो निकाल कर मारे जाएंगे। इसी से जुड़ी अगली खबर है, और अगली खबर है नक्सलियों हथियार छोड़ दो, 104 लोगों को सरकारी नौकरी मिल गई है। अगर आप जंगल में खून बहाते हैं, अपनों की ही हत्या करते हैं, अगर हथियार छोड़ रहे हैं और सरकारी नौकरी मिल रही है तो इसमें बुराई क्या है? नक्सलियों हथियार छोड़ दो, मुख्य धारा में शामिल हो जाओ, सरकार नौकरी देगी। सुकून देने वाली खबर सामने आई है, जो कल तक नक्सलवाद के साथ थे, लाल सलाम बोलते थे, वही लोग अब नक्सलियों का सफाया करेंगे, एंटी नक्सल अभियान में हमारे जवानों का सहयोग करेंगे। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानना चाहते हैं तो चलिए पूरी खबर विस्तार से बता देता हूं। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले का है, जहां आत्मसमर्पण करने वाले 104 नक्सलियों को कांस्टेबल बना दिया गया है। इन सभी को जिला बल में आरक्षक GD के पद पर नियुक्ति मिली है। IG दीपक झा और PTS SP गजेंद्र सिंह ने इन आरक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया है। ये सभी कई सालों से गोपनीय सैनिक और सहायक आरक्षक के तौर पर पुलिस विभाग की मदद कर रहे थे। इसी के बाद 104 आत्मसमर्पित नक्सलियों को प्रमोट किया गया है और यह संदेश भी है। ये नियुक्ति कैसे की गई है ये भी आपको बता देता हूं, ये भी जान लीजिए। आत्मसमर्पण करने वाले इन सभी नक्सलियों को पहले पुलिस ट्रेनिंग दी गई, सभी को राजनांदगांव के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में लाया गया, जहां
81वें बुनियादी प्रशिक्षण शिविर में इनको ट्रेनिंग दी गई और फिर इन 104 लोगों को कांस्टेबल पद पर नियुक्ति दी गई। अब ये सभी आरक्षक अपने गृह जिलों में जाएंगे और नक्सल विरोधी ऑपरेशन में बेहतर ढंग से काम करेंगे। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले पुलिस बनने वाले लोग और अधिकारी क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए, इसके बाद आगे की खबर बताऊंगा। सुनाइए भाई। मैं मुख्यधारा में आकर 2016 में सरेंडर किया। नक्सली संगठन को छोड़कर पुलिस विभाग में आकर बहुत अच्छा लग रहा है सर, यहाँ पे आने के बाद। कई गोपनीय सैनिक से और कई सहायक आरक्षक से प्रमोट होकर आरक्षक बने हैं। उम्मीद करते हैं कि इनके वापस अपने जिले जाने के पश्चात जो हमारा नक्सल विरोधी अभियान है उसमें और गति आएगी। नक्सलवाद के सिकंजे से बाहर आकर जब किसी की जिंदगी सुधरती है तो देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सालों तक मैंने नक्सलवाद को कवर किया है, उन जंगलों में जाकर देखा हूं कि कैसे नक्सलियों द्वारा बहाए गए खून से लोग परेशान हैं, लोगों का कैसे घर उजड़ गया है, और आपने देखा होगा कि कैसे एक पिता अपने बेटे के लिए रो रहा है, कैसे एक पत्नी अपने सुहाग के लिए रो रही है। और अगर मुख्य धारा में नक्सली छोड़कर लौट रहे हैं और गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी दे रहा हूं, तो ये छत्तीसगढ़ के लिहाज से बहुत सुकून देने वाली खबर है। और ऐसी खबर जब आती है तो मैं भी बहुत सुकून से दिखाता हूं, ताकि बाकी लोग भी जो इस खबर को देख रहे हैं वो मुख्य धारा में लौटें और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद जैसे दंश से छत्तीसगढ़ वासियों को छुटकारा मिले। केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों को सरेंडर कराने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, पुरजोर प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद करीब 600 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। सरकार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए नई पुनर्वास नीति भी लेकर आ रही है। इस पुनर्वास नीति को सरकार जल्द ही लागू करने वाली है, देख लीजिए आप। नई पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मन चाहे शहर या गांव में स्थायी घर मिलेगा। बताइए, जंगल छोड़ दीजिए, सरकार घर दे रही, साथ ही आवास योजना के घरों के लिए जमीन भी मिलेगी और सुन लीजिए कम ब्याज पर लोन भी मिलेगा। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 3 साल तक अधिकारियों की देखरेख में रखा जाएगा, मतलब कोई जोखिम भी नहीं है। इस दौरान 10,000 रुपये का मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। नक्सलियों पर चल रहे मामले सुलझाने के लिए पुलिस मदद करेगी, साथ ही नक्सलियों को कौशल विकास योजना से जोड़कर ट्रेंड किया जाएगा। बड़े नक्सलियों को समर्पण करने पर 5 लाख की अनुदान राशि दी जाएगी और मध्यम और निचले स्तर के नक्सलियों को 2.5 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। ये अनुदान राशि 3 साल के आचरण के आधार पर मिलेगी। रिपोर्ट देखिए और समझिए, देखिए रिपोर्ट। देखिए, हम तो पहले जो लोग सरेंडर होना चाहते हैं उनको मौका देना चाहते हैं, इसीलिए सबसे बड़ा आंकड़ा सरेंडर होने का है। मैं तो अपील करता हूं किसी पर अटैक न करना पड़े, आप आइए साथ दीजिए। नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, प्रयास कर रहे हैं कि जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके साथ भी अच्छा से अच्छा उनको सुविधा दें, मुख्य धारा में वापस आए, पुनर्वास करें। पुनर्वास के लिए जो आवश्यकताएं आपकी होंगी वो आप बताएं, सरकार उसको पूरा करेगी। इससे पहले भी बड़ी संख्या में सरेंडर करने वाले नक्सलियों को पुलिस में भर्ती किया गया है। कई बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन में नक्सली से पुलिस बने लोग जवानों का साथ देते हैं और नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने में मदद करते हैं। इसलिए खबर इतने विस्तार से बताया, और मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं इसलिए मुझे लगता है कि जब छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे की खबर आती है तो मैं भी, जिस तरह से गृहमंत्री अमित शाह ने ये कह दिया है, ये डेडलाइन है मार्च 2026 में देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, वैसे मुझे भी लगता है कि विस्तार न्यूज और हमारे साथ ही इस बात के साक्षी बने रहें और नक्सलवाद के खात्मे की हर अच्छी खबर आपको दिखाते और बताते रहें। चलिए, आगे बढ़ने का समय हो गया है। अगली खबर क्या है? सैलरी से नहीं,
भ्रष्टाचार से करोड़पति बने हैं बाबू साहब। कहाँ के बाबू साहब हैं ये? कितना पैसा कमा लिए हैं? कितना मकान बना लिए हैं? एक जनपद पंचायत के बाबू की सैलरी कितनी होगी अंदाजा लगाइए आप। आपके जनपद में जो बाबू बैठते हैं, जो सचिवों से पैसा लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, जब पंचायत सचिव जाते हैं, गांव के लोग जाते हैं, सरपंच जाते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं कि नहीं? पंचायत में बैठे बाबू, जनपद पंचायत में बैठे बाबू बोलते हैं ना, हर फाइल में इतना कमीशन लाओ, वो इतना इतना जोड़ के कितना बना लेते हैं पता है आपको? करीब 50 से 60 हजार इतने की ही नौकरी करते हैं, इतनी ही रहती है ना इनकी सैलरी। लेकिन जब एक बाबू की टोटल कमाई सामने आई तो करोड़ों का आंकड़ा पार हो गया, सुनकर चौंक गए होंगे, मैं भी चौंका था। इसीलिए आज सीधे मुद्दे की बात में जनपद पंचायत की काली कमाई का पूरा आंकड़ा बताऊंगा, कैसे करप्शन करके बाबू ने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली। चलिए शुरुआत करते हैं, विस्तार से बात करते हैं। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ जिले का है। अरे ये तो हमारा ही जिला है। तस्वीरों में आपको एसीबी की टीम दिखाई दे रही होगी। इसी एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। करीब 10 करोड़ की काली कमाई का मामला सामने आया है। और ये कमाई करने वाला कौन है जानते हैं? जानते हैं? जनपद पंचायत का एक बाबू जिसने रिश्वतखोरी के जरिए करोड़ों रुपए की कमाई की है। रिश्वतखोरी के इस आरोपी बाबू का नाम सत्येंद्र सिन्हा है और ये जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ में बाबू है। अभी एक महीने पहले इस रिश्वतखोर बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। एसीबी की टीम ने इसे 19,500 रुपए की घूस लेते हुए दबोचा था। मैंने आपसे कहा था ना कि इतना 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 लेते हुए कितने का मालिक बन गया है, भी सुनेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। तभी से ये जिला जेल में बंद है। इसी मामले की जांच के लिए आज एसीबी की 9 सदस्यों वाली टीम मनेंद्रगढ़ पहुंची। कई घंटों की जांच के बाद एसीबी की टीम को हैरान करने वाली जानकारी मिली है। वो जानकारी क्या है सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए। इस आरोपी सत्येंद्र सिन्हा के पास खूब संपत्ति मिली है। इसने 10 से 12 मकान बना रखे, सभी मकान किराए पर दे रखा है, खुद एक अलीशान घर में रहता है, साथ ही परिवार और रिश्तेदारों के नाम पर भी इसने प्रॉपर्टी बनाई है। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले डीएसपी प्रमोद कुमार क्या कह रहे हैं इसके बारे में सुन लीजिए। सुनिए, सत्येंद्र कुमार सिन्हा के खिलाफ अनुपातिक संपत्ति के संबंध में एक केस दर्ज हुआ है और उसी प्रकरण के जांच योजना में आज हम लोग आए थे। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक और एक्सिस बैंक में उनके और उनके परिवारजनों के जो भी खातेदार थे, जिनका लॉकर था, उसको हमने सर्च कार्रवाई की है और प्रकरण समेत जो भी चल अचल संपत्तियों के जो दस्तावेज है वो हम उपपंजक से मांग किए हैं और प्रकरण की जांच अभी जारी है। रिश्वतखोरी के जरिए बहुत बड़ी संपत्ति खड़ी कर ली है आरोपी बाबू सत्येंद्र सिन्हा ने। एसीबी की शुरुआती जांच में 10 करोड़ का आंकड़ा सामने आया है, 10 करोड़ का, इसीलिए कह रहा था छोटा मोटा आंकड़ा नहीं। लेकिन जांच करने गई टीम के मुताबिक यह आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। एसीबी ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। ऐसे रिश्वतखोर कर्मचारियों की वजह से ही आम जनता को परेशानी होती है। जरूरतमंद लोगों से पैसे ऐंठ कर ये रिश्वतखोर ऐश की जिंदगी जीते हैं। ये स्टोरी क्यों दिखाई? क्योंकि ये बाबू आप लोगों से ही पैसा कमाता था। अगर आपके आसपास कोई करप्शन करता है तो आप भी जागरूक हो जाइए, इसको रोकिए, पैसा मत दीजिए। और बताता हूं ना आपको कि किस नंबर पर शिकायत करना है, एक बार नंबर डालिए जरा, किस नंबर पर शिकायत करना है आपको। अगर कोई पैसा लेता है, कोई रिश्वत लेता है, कोई लेता है, तो किस नंबर पर बताना है मैं आपको बता देता हूं मौखिक, खबर के अंत में दिखाऊंगा। 8282824982 आपको पता है, इस नंबर पे आपको देना है, इस नंबर को आपको व्हाट्सअप करना है। अगर कोई इस तरह की अगर डिमांड करता है, पैसे की मांग करता है, तो आपको इसी नंबर पर जानकारी देना है। खबर के जब पूरा बुलेटिन हो जाएगा तो हर दिन की तरह मैं आपको दिखाता हूं, आज भी दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर कौन सी है? अगली खबर है, हालात संभाल लिए होते तो बच जाते एसपी साहब, बताइए हटा दिए गए हैं। सूरजपुर के एसपी साहब हैं ये। डबल मर्डर केस के बाद सूरजपुर के एसपी को हटा दिया गया है। विष्णुदेव सरकार ने सख्त फैसला किया है। तत्कालीन एसपी एमआर अहिरे का ट्रांसफर कर दिया गया है, उन्हें जिला से हटा दिया गया है। एमआर अहिरे को सूरजपुर से वापस रायपुर बुला लिया गया है।
रायपुर में एमआर अहिरे अब यातायात के उप महानिरीक्षक के रूप में अपनी सेवा देंगे। वहीं सूरजपुर एसपी की जिम्मेदारी अब प्रशांत ठाकुर को दी गई है। यह आदेश देख लीजिए मेरे बगल में चल रहा है। गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया है, जिसके बाद सूरजपुर से लेकर राजधानी रायपुर में सनसनी मची हुई है। सूरजपुर में डबल मर्डर के बाद गृह विभाग के इस फैसले पर तरह तरह की बातें कही सुनी जा रही हैं। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक, बीजेपी से ही है भाई साहब, अजय चंद्राकर ने यह तक कह दिया कि आहिरवार को पहले ही हटा देना चाहिए था। सुन लीजिए अजय चंद्राकर क्या कह रहे हैं। इन्हीं की सरकार है, बीजेपी के विधायक हैं, कई बार मंत्री रहे, सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे एसपी को पहले ही हटा देना था। सुनिए। सोचता हूं हटाने में थोड़ा लेट हो गया, और पहले हटना था, तुरंत हटना था। जिस प्रशासन को यदि पूर्वाभास नहीं हो सकता, इंटेलिजेंसी नहीं हो सकती, तो उनको जिले का दायित्व नहीं संभालना चाहिए। आधी रात को नहीं, उसको उसी पल हटाना था, लेट हो गया। बहुत बड़ा आरोप लगा गए अहिरे पर, बहुत बड़ा आरोप लगा दिए, ये तक कह दिए कि जिस अधिकारी के पास इंटेलिजेंस ना हो तो उनको जिले का दायित्व नहीं संभालना चाहिए। खैर, पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन है? मेरे साथ हैं मृगेंद्र पांडे। और मृगेंद्र पांडे, एक और बड़ी खबर आ रही है, ट्रांसफर लिस्ट आई है, उसको भी बता दें। अभी कितने आईएसओं का ट्रांसफर हुआ है, पहले ये बस बता दीजिए जल्दी से। आप मोबाइल देख लीजिए, जल्दी से बता दीजिए, फिर इस खबर पर बात करेंगे। 11 आईएएस का ट्रांसफर हुआ है, उसमें एक बार पढ़िए आप, एक बार पढ़िए एक सेकंड। इस खबर पर हम टाइम लेते हैं और ब्रेकिंग लिखिए। श्वेता, आप ब्रेकिंग लिखते जाइए और हम बताते जाएंगे। मृगेंद्र, जो बताते जाएंगे आप थोड़ा ठहर के बताइएगा। सूरजपुर तो बात अपन करेंगे, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है, एक ब्रेकिंग कर दीजिए, एक ब्रेक करिए, बड़ी ब्रेकिंग करिए कि 11 आईएएस, मैं आ रहा हूं आपके पास मृगेंद्र जी, मैं आ रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि 11 आईएएस अफसरों के तबादले हो गए, माफ कीजिएगा, 10 आईएएस अफसर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि 10 आईएएस अधिकारियों के तबादले हो गए हैं, और जनसंपर्क आयुक्त भी रवि मित्तल बनाए गए हैं CPR। इस वक्त की बड़ी खबर है, और इस बड़ी खबर को समझने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मृगेंद्र पांडे, स्टेट ब्यूरो चीफ। और सीधे एक तरफ मैं मृगेंद्र पांडे के पास चलता हूं, और मोबाइल देखकर वो सूची बताते जाइए। दूसरी तरफ हम ब्रेक करते जाएंगे, आपके पास पूरा 5 से 7 मिनट का वक्त है। मृगेंद्र, शुरू कर दीजिए, किसका कहां से तबादला होता है बता दीजिए। देखिए, आपने बताया कि सूरजपुर एसपी का तबादला किया गया है, और शाम को जो सूची आई है उसमें सूरजपुर के कलेक्टर को भी बदल दिया गया है। सूरजपुर के कलेक्टर जो हैं रोहित व्यास, उनको अब जसपुर का कलेक्टर बनाया गया है। इसके साथ ही जन्मेजय महोबय, इनको संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग बनाया गया है। जगदीश सोनकर, इनको एक बार फिर जो है संयुक्त सचिव मंत्रालय पदस्थ किया गया। अभी ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का इनको संचालक का प्रभार था, तो कुल मिलाकर ये प्रभार उनसे वापस ले लिया गया है। विजय दयाराम, जो बस्तर कलेक्टर थे और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के बाद इनको बस्तर से हटाया गया था, उनको जिम्मेदारी मिली है, वो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के MD होंगे। तो ये खाली थे, अभी मंत्रालय में बैठे थे, इनको जिम्मेदारी दे दी गई है। और जो महत्वपूर्ण आदेश आया है रवि मित्तल को आयुक्त जनसंपर्क बनाया गया है। इसके साथ ही CEO संवाद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर चिराग परियोजना, तो जो आपने बताया कि 10 IAS का तबादला हुआ है, एक IPS इस तबादले में प्रभावित हुए हैं, जो IPS है मयंक श्रीवास्तव जनसंपर्क आयुक्त थे, इनको वापस गृह विभाग में भेज दिया गया है। ADG रैंक के हैं मयंक श्रीवास्तव। इसके साथ ही प्रतिष्ठा ममगई, इनको CEO जिला पंचायत बस्तर बनाया गया है। कुमार विश्वरंजन को उप सचिव मंत्रालय में पदस्थ किया गया है, अभी ये CEO जिला पंचायत दंतेवाड़ा थे। इसके साथ जयंत नाहटा को CEO जिला पंचायत दंतेवाड़ा पदस्थ किया गया है, और S जयवर्धन को सूरजपुर का नया कलेक्टर बनाया गया। तो ये कुल 11 लोग हैं जिनके तबादले किए गए हैं। आज ही आपको बता दें कि सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री शामिल हुए, विधायक शामिल हुए, और ये सबसे ज़्यादा तबादले हुए उसमें सरगुजा के लोग ही हैं। जी,
तो चलिए, जितने विस्तार से आपने और जितनी जल्दी से मैंने आपको फंसा दिया इस चक्कर में, आपसे मैं बात करने के लिए मृगेन जी खड़ा हुआ था कि आप बताइए मुझे कि सूरजपुर के एसपी हटाए गए हैं या चंद्राकर सवाल उठा रहे हैं, और मैंने आपको पलट दिया और मैंने आपसे कहा कि बताइए ट्रांसफर किसका किसका हुआ है। तो खैर, ट्रांसफर को आपने बहुत विस्तार से बता दिया, लेकिन अब मुझे ये बता दीजिए कि अजय चंद्राकर क्यों कह रहे हैं कि सूरजपुर के एसपी को पहले हटा देना चाहिए था, इनको जिनको ये नहीं पता है कि इंटेलिजेंस क्या होता है, ये अजय चंद्राकर क्यों कह रहे हैं? ये तो बीजेपी के ही विधायक हैं। मृगेन जी देखिए, जब से उनका ये बयान आया है वो चर्चा में है, और भाजपा के कई बड़े नेता उनके इस बयान को अजय चंद्राकर की नाराजगी से देख रहे हैं कि सरकार के सिस्टम में, क्योंकि वो विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, मंत्री पद के दावेदार हैं, और अब वो खुलकर इस तरह से सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार के जो निर्णय है उस पर सवाल उठा रहे हैं, तो उनकी नाराजगी से जोड़कर देख रहे हैं कि अजय चंद्राकर कहीं ना कहीं नाराज हैं, और ये नाराजगी व्यक्त करके वो एक तरीके से दबाव भी बनाने की कोशिश करें जैसा भाजपा के नेताओं का कहना है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, समझ गया। मृगेन जी आपने विस्तार से समझा दिया कि अजय चंद्राकर अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो कहीं कुछ तो फंसी हुई है, कटिया जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, और अगली खबर क्या है आपको पता है? डाल दीजिए भाई, रायपुर दक्षिण का पूरा गुड़ागणित समझ लीजिए। ये देखिए, एक तरफ सुनील सोनी और दूसरी तरफ आकाश शर्मा, चुनाव मतलब विस्तार न्यूज, ये दावा नहीं ये वादा है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा का उपचुनाव, विस्तार न्यूज ने जिन लोगों को टिकट मिलने का दावा किया सब कुछ सही साबित हुआ है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए विस्तार न्यूज ने 18 अक्टूबर को यानी 4 दिन पहले ही बता दिया था कि किसको टिकट मिल सकता है, कौन टिकट का दावेदार है। इसी शो में हमने बीजेपी से सुनील सोनी और कांग्रेस से आकाश शर्मा का नाम बताया था, सीधे मुद्दे की बात में दिखाया था। आज देख लीजिए, दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। रायपुर दक्षिण का मुकाबला आप रोचक हो चला है भाई साहब, रोचक हो चला है। कांग्रेस ने पूर्व सांसद सुनील सोनी और बृजमोहन अग्रवाल के रिकॉर्ड के सामने यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। आज ही यह खबर आई है, आज ही टिकट मिला है। आकाश शर्मा 2023 विधानसभा चुनाव में चूक गए थे, लेकिन उपचुनाव में उनको टिकट मिल गया। आज आकाश शर्मा के घर में खूब जश्न मनाया गया, पत्नी खुशी से रो रही हैं। आकाश शर्मा का बेटा जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, कार्यकर्ता पटाखे फोड़ रहे हैं। देख लीजिए रिपोर्ट, फिर आगे बात करें। आकाश जी, एक बड़ा मौका आपको, कांग्रेस पार्टी ने एक युवा नेता को टिकट दिया है, कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह दक्षिण विधानसभा की जनता का आशीर्वाद मिलेगा, युवा में उत्साह है, महिला माताओं का आशीर्वाद है। तो ये घर की तस्वीर में दिखाता हूँ, पार्टी वाले बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो हमारे बेटा मौका मिला। आँख में आंसू है, दिखाइए अखिलेश, आँख में आंसू है। बस इनके संघर्ष का जिनको परिणाम मिला है, बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे पार्टी को के लिए एक पिलर बन के हमेशा से खड़े थे, जनता के बीच में थे, आज उसका परिणाम मिला है। अभी सीट को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? एक प्रदेश में चुनाव होता है तो इतनी चर्चा होती है, लेकिन इस सीट को लेकर चर्चा क्यों हो रही पता है? क्योंकि मेरे साथ जुड़ गए हैं बृजमोहन भैया, बृजमोहन अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में। और मैं भी कह रहा था बृजमोहन भैया कि मैं भी ये कह रहा था कि इस सीट की इतनी चर्चा हो रही है जैसे प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो। बहुत सारे लोग मिलने आ रहे होंगे आपसे, आप उनको वक्त दीजिएगा, 5 मिनट मुझे वक्त दीजिए। क्या लग रहा है, बहुत दिनों बाद आपके बिना, या आप प्रत्याशी नहीं है, चुनाव होने वाला है? पूरा आशीर्वाद है सुनील सोनी जी को आपका। कांग्रेस का प्रत्याशी तय, होने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी विधानसभा और लोकसभा के रिकॉर्ड भी टूट जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी को रायपुर शहर की और दक्षिण विधानसभा की 99% जनता नहीं जानती है कि ये कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ से आया है, क्या करता है, कांग्रेस ने क्यों इसको टिकट दिया है। ये प्रश्न पूरे छत्तीसगढ़ की और रायपुर की जनता के बीच में है, और इसके बाद तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जानबूझकर हारने के लिए और
अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जो प्रत्याशी को कोई भी नहीं जानता है ऐसा प्रत्याशी घोषित किया है। ब्रिजमोहन जी, ऐसा क्यों लगता है कि आकाश शर्मा जो है केवल हारने के लिए ही मैदान पर आए हैं? वह कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और आप तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। जब आप लड़ते हैं तब ये कहा जाता है कि फाइनल सीट ये जीता जाएगा। भाई ब्रिजमोहन जी का गुड़ा गणित कोई नहीं समझ सकता, लेकिन आप इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं कौन? सुनील सोनी लड़ रहे हैं। तो यही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सुनील सोनी जी को पूरा आशीर्वाद है आपका कि नहीं है? देखिए, चुनाव ब्रिजमोहन अग्रवाल ही लड़ रहे हैं। ब्रिजमोहन अग्रवाल दक्षिण विधानसभा के परमानेंट विधायक हैं, जहां की जनता ने 8 बार विधायक के रूप में, 9वीं बार सांसद के रूप में ऐतिहासिक वोटों से छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया, और 90 चुनाव में तो लोकसभा के चुनाव में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया कि 90,000 से ज़्यादा वोटों से जिताया। और अब वहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी जी हैं, वो वेल नोन चेहरा हैं, जो 2 बार मेयर रहे हैं, रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं, जिनको दक्षिण विधानसभा मेरे 6 बार चुनाव संचालक रहे हैं, जिनको सिर्फ दक्षिण विधानसभा ही नहीं पूरा रायपुर शहर और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। परंतु कांग्रेस का जो चेहरा है उसको रायपुर में तो कोई नहीं जानता, दक्षिण विधानसभा में तो बिल्कुल नहीं जानते, और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस से जुड़े हुए और कांग्रेस में भी युवक कांग्रेस से जुड़े हुए सीमित लोग ही जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते हैं। अच्छा, ये बता दीजिए, आप परमानेंट विधायक हैं, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि परमानेंट विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल ही हैं, कितने हजार वोटों से सुनील सोनी को आप जिता रहे हैं? क्या लगता है आप, आपका भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे क्या सुनील सोनी? हाँ, मुझे लगता है मेरा भी रिकॉर्ड वो तोड़ेंगे, और मैंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। आज हमारे 4 मंडलों की बैठक थी, उन बैठक में लगभग चारों मंडलों की मिला के 2,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता थे, और उन कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है और मैंने उनसे आह्वान किया है कि रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं, और इसलिए सुनील सोनी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, कमल फूल को इतने ज़्यादा वोटों से जिताएं कि दोनों रिकॉर्ड विधानसभा और लोकसभा के रिकॉर्ड भी टूट जाए। ब्रिजमोहन जी आखिरी सवाल, 9 बज गया है, अब अगले शो का समय हो गया, आपने कीमती वक्त निकाला। आखिरी सवाल, मनोज शुक्ला जी का भी नाम चल रहा था, आपके परिवार से भी किसी को मिल जाए टिकट उसका भी चल रहा था, संजय श्रीवास्तव जी का भी चल रहा था, आपको कोई मलाल तो नहीं है ना? जिसको मिला ठीक है, पार्टी ने जो तय किया ठीक है। ब्रिजमोहन जी, मैं खुश हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने एक योग्य व्यक्ति को दक्षिण विधानसभा की टिकट दी है, जहाँ की जनता ने 8 बार मुझे जिताया, मतलब पूरी दक्षिण विधानसभा तो मेरा घर ही हो गया है, और मेरे घर में एक नया मेंबर शामिल हो रहा है और वो योग्य मेंबर शामिल हो रहा है, इस बात की मुझे खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिजमोहन जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी व्यस्तता, और शाम के बाद तो आप और व्यस्त हो जाते हैं, आपने समय निकाला, आपसे बातचीत करना हमेशा अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विस्तार न्यूज को समय देने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो चलिए, दक्षिण का गुड़ा गणित हर दिन आपको इसी तरह से बताता रहूंगा, क्योंकि ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने कह दिया है कि परमानेंट विधायक तो गुरु मैं ही हूं, और मेरा रिकॉर्ड भी तोड़ने के लिए लोगों से मैंने आह्वान कह दिया है। मैंने आपसे वादा किया था कि 8282824982 में अगर कोई भ्रष्टाचारी बाबू आपसे पैसा मांगता है, आपके घर के अगल बगल कोई समस्या है, सरकारी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, स्कूल में बच्चे परेशान हैं, तो 8282824982 पर अपनी समस्या व्हाट्सअप कर दीजिए। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।